नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। जिन्होंने अमेज़न इंडिया की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, तो कभी कभार फिर ये आता है कि यार फालतू पेमेंट जा रहा है, तब इसको कैसे कैंसिल किया जाए, तो वो ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं। तो इस वीडियो में जानने के लिए बने रहें शुरू से लास्ट तक, हम आपको पूरा बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वही मालूम कि अमेज़न इंडिया की जो है प्राइम मेंबरशिप को कैसे कैंसिल किया जाता है, तो हाउ टू कैंसिल योर अमेज़न प्राइम मेंबरशिप। तो अमेज़न प्राइम मेंबरशिप 3 महीने या 1 वर्ष की अवधि वाले विकल्प के साथ दी जाती है, जैसा कि आप लोग ने जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता होगा। और अमेज़न प्राइम मेंबरशिप को कैंसिल करना काफ़ी सरल है और यह प्रक्रिया कुछ स्टेप में पूरी हो जाती है। तो अमेज़न अपने प्राइम कस्टमर्स को कई तरह के फ़ायदे देता है और इसके साथ 1 दिवसीय और 2 दिवसीय और डिलीवरी और रेगुलर सेल और लाइटिंग डील्स में नॉन प्राइम मेंबर से पहले एक्सचेंज और स्टैंडर्ड डिलीवरी के लिए कोई भी मिनिमम ऑर्डर की बात तो इसमें नहीं होती है। और इस US कंपनी के प्राइम मेंबरशिप को और भी कई लाभ मिलते हैं और इसमें प्राइम म्यूज़िक और प्राइम वीडियो और प्राइम रीडिंग वगैरह शामिल है। और योग्य मतलब जो निश्चित एक स्थान के लिए प्राइम मेंबरशिप जो है आपको कंपनी उसी दिन डिलीवरी की सुविधा देती है इसमें, यदि आप कुछ चीज़ जैसे मंगाते हैं और किसी कारण से आप अपनी प्राइम मेंबरशिप को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। यह एक बड़ा कारण इसकी कीमत हो सकती है, भाई ज़्यादा पेमेंट लग रहा है। और भारत में यह मेंबरशिप 329 रुपये प्रति 3 माह या 999 यानी 1000 रुपये के आसपास प्रतिवर्ष के शुल्क के साथ मिलती है। हालांकि US की तुलना में भारत के अंदर यह काफ़ी सस्ती है। US में यह मेंबरशिप जो है $12 यानी $13 यानी $12.99 के आसपास है और वहीं शुल्क प्रतिमाह शुल्क पे मिलती है और वहाँ पर इसकी वार्षिक सदस्यता जो है $119 है। तो यह कीमत पर शायद इसके साथ ना जुड़ना चाहें तो मेन चीज़ ये हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस डेट से आपने जितने समय के लिए मेंबरशिप ली है और कैंसिल करवाने के बाद भी वह उतने समय तक जारी ही रहेगी। इसका अर्थ है कि एग्जांपल के तौर पर यदि आपने 3 महीने की सदस्यता ली है और 1 महीने के बाद आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके पश्चात वह 2 महीने तक जारी रहेगी, यानी उसके बाद वो कल फिर भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए सदस्यता रद्द करने का लाभ यही होता है कि आप अवधि यानी अपनी जो 3 महीने तक ली है तो 3 महीने पूरा हो जाए तो ऑटो रिन्यू का समय होता है, तो उस समय पर आप सदस्यता को बंद कर सकते हैं और ऑटो रिन्यूअल तक रुक जाता है। हालांकि कस्टमर अमेज़न की ऐप या फिर वेबसाइट के द्वारा इसे ग्राहक सेवा विभाग जो कस्टमर केयर है उनको भी आप बोलकर इसे कहकर जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो यदि आप स्वयं से अपनी मोबाइल ऐप या फिर कंप्यूटर पे जो है सदस्यता कैंसिल करना चाहते हैं यानी सेल्फ से करना चाहते हैं तो जो स्टेप्स इसमें हम आपको बता रहे हैं आप उसको करिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अमेज़न प्राइम की जो मेंबरशिप की जो वेबसाइट पर आपको जाकर इसमें कैंसिल कर सकते हैं। यदि ऐप के द्वारा कैंसिल करने का स्टेप जानना चाहते हैं तो इसके आगे जो है आपको customer.amazon.in पर जाकर आपको अपने अकाउंट में वहाँ पर लॉगिन करना होता है। और उसके बाद जब लॉगिन हो जाते हैं फ्रेंड तो सबसे ऊपर बाईं ओर आपको हैंगबर्गर मेन्यू पर जो है आपको क्लिक करके योर अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और प्राइम ऑप्शन पर फिर जाकर वहाँ क्लिक करना होगा और उसके बाद मैनेज मेंबरशिप जो लिंक दिखती है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी और यहाँ मैनेज मेंबरशिप की लिस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर एंड मेंबरशिप के ऑप्शन पर आप चूज़ करें, इसको क्लिक कर दें। अब अमेज़न आपको एक स्क्रीन दिखाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि मेंबरशिप लेने के समय आपने अपनी डिलीवरी फीस में लगने वाला कितना पैसा बचाया है। तो यहाँ पर ये आपको अमेज़न बताएगा। अब कंटिन्यू टू कैंसिल पर उसके बाद जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दें, कंटिन्यू टू कैंसिल पर। अब आपको स्क्रीन एक दिखाई पड़ती है जिस पे एंड ऑन लिखा होगा, यानी कि आपकी प्राइम मेंबरशिप की जो है एक्सपायरी डेट यहाँ पर दिखाई देगा, तो एंड ऑन का बटन होगा। अब रिव्यू डेट पर जाते ही आपकी प्राइम मेंबरशिप निश्चित तौर पर बंद हो जाएगी यहाँ पर।
मेंबरशिप के रिन्यू होने के 3 दिन पहले यदि आप एक रिमाइंडर पाना चाहते हैं तो रिमाइंडर में लेटर पर बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और मेंबरशिप लेने के समय भी आप अमेज़ॉन पर 3 दिन तक आपको एंड नाउ बटन दिखाई पड़ता रहेगा, और यदि आप पहले 3 दिनों में इस सेवा को स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो आप तत्काल ही मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। और इसके लिए कंपनी जो है मेंबरशिप की शेष अवधि या पूर्ण अवधि के लिए आपको रिफ़ंड कर देती है, तो यह रिफ़ंड एक क्रेडिट नोट के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि हाउ टू कैंसिल मेंबर अमेज़न प्राइम मेंबरशिप यूजिंग ऐप। तो ऐप के द्वारा आप स्मार्टफोन से अपनी अमेज़न सदस्यता को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर जो स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने फ़ोन में अमेज़न ऐप पे जाना होगा। उसके बाद आपको जैसे ही ऐप आप ओपन करेंगे तो नीचे की ओर जो है दाहिनी तरफ दिए गए हैंग बर्गर मेन्यू बटन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और अब प्राइम पर यहाँ पर आपको टैप करना होगा और प्राइम टाइटल के सामने लिखे मैनेज माई मेम्बरशिप पर क्लिक करना होगा, और अब मैनेज मेंबरशिप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जो है यहाँ पर आपको टैप करना होगा, फिर मैनेज मेंबरशिप ऑप्शंस को सिलेक्ट करें यहाँ पर, और यहाँ पर एंड मेंबरशिप पर बटन दबाएं, फिर स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा कि मेंबरशिप लेने के बाद से अपने डिलीवरी पर जो है किसी फीस की आपने कितनी फीस की बचत की है यहाँ पर। अब इस स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू टू कैंसिल पर टैप करना होगा, फिर एंड ऑन यानी आपकी प्राइम मेंबरशिप का जो लास्ट डेट है उसके बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यानी कि टोटल स्टेप वही है जो उसमें डेस्कटॉप पे रहता है, वही इसमें भी है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार प्राइम मेंबरशिप रद्द करने के बाद जो है आप प्राइम वीडियो या फिर प्राइम म्यूजिक जैसी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्वाभाविक है जब बंद हो जाएगी तो आप उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो ये रहा अपना प्राइम मेंबरशिप अमेज़न प्राइम मेंबरशिप कैंसिल करने का जो है स्टेप क्या है। तो आशा करते हैं जिनको यह नहीं पता था फ्रेंड तो स्वाभाविक है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आप कैसे करते हैं वो अभी तक जान गए होंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और हम फिर समय समय पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब करके रखें, और हंसते रहें मुस्कुराते रहें, बार बार न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर आते रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।